देश में 17वां लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। रविवार को हुए 7वें और आखिरी चरण के चुनाव के बाद देश भर के राजनेताओं की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है और इसके साथ ही राजनीतिक ज्योतिषियों ने सियासी कुंडली को पढ़ना शुरू कर दिया है। चुनावी नतीजों की भविष्यवाणी करते हुए एग्जिट पोल का पिटारा खोल दिया गया है। आखिरी चरण के चुनाव के बाद दिखाए गए लगभग तमाम एग्जिट पोल में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को भारी बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है। ज्यादातर न्यूज चैनल्स और सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है, लेकिन बीजेपी को नुकसान होता दिखाया जा रहा है। यानी कमल तो खिलेगा लेकिन पहले जैसी खुशबू नहीं होगी। रिपोर्ट्स की माने तो इस बार 23 मई को आने वाले लोकसभा चुनाव नतीजों में एनडीए को 533 में से 275 सीटें मिल सकती है। वही यूपीए को 135 सीटें मिलने के आसार है, जबकि अन्य पार्टियों को 127 सीटें मिल सकती है। वही अगर एग्जिट पोल को सही माना जाए तो पश्चिम बंगाल में अमित शाह अपने मिशन में मोटे तौर पर कामयाब होते दिख रहे हैं। बता दें कि अमित शाह ने बंगाल में 23 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। शुरू से ही कहा जा रहा था कि 23 सीटें जीतना आसान नहीं है। अगर भाजपा 10 सीटों के आसपास भी रह जाए तो उसकी बड़ी कामयाबी रहेगी। अगर औसत निकाला जाए तो ये करीब 15 सीट रहता है। जनता ने इस बार भी कांग्रेस के अरमानों पर पानी फेर दिया है, लेकिन खुशखबरी तो बीजेपी के लिए भी बड़ी नहीं है, क्योंकि इस बार 2014 जैसी मोदी लहर नहीं दिखाई दे रही है। एनडीए को बहुमत मिल रहा है लेकिन बीजेपी को नुकसान भी हो रहा है। बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान यूपी में मिलता दिख रहा है। भाजपा और अपना दल ने राज्य में पिछली बार 80 में से 73 सीटें जीती थी। इस बार एग्जिट पोल्स में उसे न्यूनतम 22 और अधिकतम 68 सीटें दी गई हैं। एग्जिट पोल्स के मुताबिक इस बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे चर्चित राज्य पश्चिम बंगाल में भाजपा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। एग्जिट पोल के आने के बाद सियासत गर्मा गई है। इसके साथ ही बयानबाजी भी शुरू हो गई है। जहां बीजेपी इस एग्जिट पोल को सही बता रही है, वहीं विरोधी दल इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। खैर, ये तो 23 मई यानी नतीजों के दिन ही पता चलेगा कि एग्जिट पोल सही साबित होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएचबीसी न्यूज़।